खाने के स्वाद को बढ़ाने के अलावा प्याज में कई प्रकार के औषधीय गुण भी होते हैं। प्याज में भरपूर मात्रा में सल्फर पाया जाता है। प्याज में विटामिन ए, विटामिन सी, विटामिन ई और विटामिन बी कॉम्प्लेक्स की मात्रा भी पाई जाती है। प्याज हमारी रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाने में भी अपनी मदद करता है, तो संक्रमण से लड़ने के लिए, ब्लड शुगर को नियंत्रित करने के लिए और पेट से जुड़ी, पाचन से जुड़ी समस्याओं में भी प्याज बेहद मददगार होता है। इसके अलावा प्याज में एंटी बैक्टीरिया, एंटी इन्फ्लेमेटरी और एंटीसेप्टिक गुण भी होते हैं, जिनकी सहायता से आप मुहासों को भी आसानी से दूर कर सकते हैं। खांसी और कफ को दूर करने में भी प्याज अद्भुत गुणकारी है। घावों को ठीक करने में भी प्याज अपनी पूरी मदद करता है। तो प्याज का रस बालों को मजबूत, घना और प्राकृतिक रूप से काला करने के लिए एक रामबाण उपाय माना जाता है। जय श्री कृष्णा दोस्तों, मैं हूं नरेंद्र अग्रवाल और आप देख रहे हैं नरेंद्र अग्रवाल यूट्यूब चैनल। तो आज का यह वीडियो उन लोगों के लिए उपयोगी है जो लोग अपने बालों से बेहद प्यार करते हैं। जी हाँ दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम प्याज के तेल के अद्भुत गुण, खासकर बालों के लिए अद्भुत गुण क्या है, इसे कैसे आप उपयोग में लें, इसकी जानकारी शेयर करने जा रहे हैं। आज इस वीडियो में हम आपके साथ ऑनियन एसेंशियल ऑयल के फ़ायदों की जानकारी शेयर करने जा रहे हैं। दोस्तों, प्याज के तेल में बड़े ही अद्भुत गुण पाए जाते हैं। खासकर प्याज का तेल बालों के लिए एक सुपर तेल हो सकता है। तो आइए शुरू करते हैं और जानते हैं प्याज के तेल के कुछ अद्भुत प्रयोग और फायदे। दोस्तों, प्याज का तेल बालों के रोम कूपों को पोषण देकर पोषक तत्वों को बहाल करता है। प्याज के तेल को आप बालों के लिए उपयोग ले सकते हैं। जी हाँ, प्याज का तेल आपके लिए एक बेहतरीन हेयर ऑयल साबित होगा। तो इसे प्रयोग में लेने के लिए प्याज का थोड़ा सा तेल आप अपनी हथेली पर लीजिए, अपने हाथों पर लीजिए और फिर इससे अपने बालों की जड़ों तक मसाज कीजिए, मालिश कीजिए और फिर इसे लगभग 30 से 40 मिनट तक के लिए छोड़ दीजिए और फिर हल्के शैम्पू से अपने बालों को धो लीजिए। इससे क्या होगा, इससे आपके बाल प्राकृतिक रूप से काले रहेंगे, बाल मजबूत होने लगेंगे, लगातार प्रयोग से बालों की चमक भी बढ़ने लगेगी और बाल आपके नरम और मुलायम रेशम जैसे होने लगेंगे। जिन लोगों के बाल नहाते समय झड़ते हैं, प्याज के तेल के कुछ ही दिनों के प्रयोग के बाद उनके बाल झड़ना बंद हो जाते हैं। तो जिन लोगों को बाल झड़ने की, बाल टूटने की समस्या है, वो एक बार प्याज के तेल का उपयोग करके देख सकते हैं। जिन लोगों के बाल असमय ही सफ़ेद होने लगे हैं, प्याज के तेल का लगातार उपयोग बालों को प्राकृतिक रूप से काला करने में भी मदद करता है। प्याज का तेल बालों में उगाई रूसी यानी कि डैंड्रफ को भी समाप्त करने में काफ़ी मददगार होता है। इसके अलावा प्याज का तेल आपके दिल के स्वास्थ्य में सुधार करने के लिए एक बेहतरीन रामबाण औषधि की तरह कार्य करता है। स्वस्थ पाचन क्रिया को बढ़ाता है, स्वस्थ पाचन को बढ़ावा देने में मदद करता है। हड्डियों के स्वास्थ्य के लिए भी प्याज का तेल काफ़ी उपयोगी माना जाता है। कान के दर्द से भी राहत दिलाने के लिए प्याज के तेल का उपयोग किया जाता है। जो लोग ऐन इंद्रा से पीड़ित हैं, ऐन इंद्रा के लिए भी प्याज का तेल उपयोग में लिया जाता है और आँखों के स्वास्थ्य संबंधित समस्याओं के लिए भी प्याज का तेल काफ़ी मात्रा में उपयोग लिया जाता है। लेकिन यदि आप इसे बालों के अलावा किसी और प्रयोग में लेना चाहते हैं तो सबसे पहले अपने चिकित्सक की सलाह लें। अपने चिकित्सक की सलाह के बाद ही प्याज के तेल का आप अन्य उपयोग में प्रयोग करें। तो दोस्तों, आप भी प्याज के तेल को उपयोग में ले सकते हैं, लेकिन प्याज के तेल का उपयोग करने से पहले कुछ जानकारी आपको होना जरूरी है। प्याज का तेल जो भी आप काम में लें उसमें कम से कम 14 एसेंशियल ऑयल अवश्य होने चाहिए। तो बालों के लिए आपको प्याज का ऐसा तेल लेना चाहिए जिसमें 14 एसेंशियल ऑयल हो, जो 14 एसेंशियल ऑयल से बना हो। तो आप किसी भी प्रतिष्ठित ब्रांड का ऑनियन ऑयल अपने स्थानीय बाज़ार से खरीद कर उसे उपयोग करके देख सकते हैं। यदि आपको अपने स्थानीय बाज़ार में प्याज का तेल नहीं मिलता है तो आप ऑनलाइन बाज़ार से इसे खरीद सकते हैं। तो यदि आप ऑनलाइन बाज़ार से घर बैठे ही प्याज का तेल मंगाना चाहते हैं तो इसके लिए डिस्क्रिप्शन में हम एक लिंक छोड़ रहे हैं, वहां से आप ऑनलाइन बाज़ार से प्याज का तेल खरीद सकते हैं। प्याज का तेल लगभग 300 रुपये से 400 रुपये के बीच में 250 ml का बोतल आपको मिल जाता है। तो आप भी इसका उपयोग करके देख सकते हैं। बालों के लिए प्याज का तेल बड़ा ही चमत्कारी माना जाता है, तो एक बार आप भी उपयोग करके देख सकते हैं। तो बस इस वीडियो को यहीं विराम देते हैं। तो दोस्तों, यह वीडियो, यह जानकारी आपको अच्छी लगी हो, यूजफुल लगी हो तो कृपया लाइक के बटन पर जरूर क्लिक कीजिए और यदि आपने हमारा ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है तो कृपया चैनल
सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इस चैनल पर हम लेकर आते हैं आपके लिए तरह तरह की धार्मिक जानकारियाँ, होम रेमेडीज, होम टिप्स और टेक्निकल नॉलेज। तो सब्सक्राइब करने पर आपको हमारे नए वीडियोस की अपलोड्स लगातार निरंतर मिलती रहेगी। तो कृपया सब्सक्राइब के लाल बटन पर क्लिक करके चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। और हाँ दोस्तों, सब्सक्राइब करने के तुरंत बाद घंटी के बटन पर अवश्य क्लिक कीजिए। तो एक नया वीडियो, एक नई जानकारी लेकर मैं आपका दोस्त नरेंद्र अग्रवाल फिर मिलूंगा। तब तक के लिए स्टे हेल्दी, स्टे हैप्पी। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। थैंक्स। जय श्री राम। जय हनुमान।